हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और बड़ी मछली। प्यारे बच्चों, आप में से हर एक ने मछलियां जरूर देखी होंगी, छोटी छोटी, रंग बिरंगी, नन्नी मुन्नी और बड़ी बड़ी भी। और क्या आपको पता है कि मछलियां इतनी बड़ी भी होती हैं कि इंसान को एक ही दफा पूरा निगल लें? जी हाँ, इतनी बड़ी मछलियां होती हैं। और ऐसा ही एक वाकया कुरान में भी मशहूर है, जिसमें मछली ने एक नबी को पूरा निगल लिया और वो उसके पेट में जिंदा भी रहे। तो आइए हम आपको पूरा वाकया तफसील से सुनाते हैं। मुल्क के इराक में दरियाए दजला के किनारे नैनवा नाम का एक बहुत खूबसूरत शहर आबाद था। उस शहर के अंदर और आसपास 1,00,000 अफराद रहते थे। अल्लाह ताला ने उस शहर के रहने वालों की हिदायत के लिए एक नबी भेजा। उस नबी का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस शहर के रहने वालों को अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने की दावत दी और मुसलसल कई साल तक उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उस नाफरमान कौम ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया और मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानी करती रही। यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और नाराज़ होकर शहर से बाहर साहिल समंदर पर गए। वहाँ जाकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए अज़ाबे इलाही की बददुआ की। उसके बाद आप एक कश्ती पर बैठकर वहाँ से चले गए। कश्ती जब साहिल से काफ़ी दूर चली गई तो अचानक समंदर में तूफान आ गया। तूफान इंतहाई खतरनाक था। बड़ी बड़ी लहरें शोर मचाती आती और कश्ती से टकरा जाती। इतना खतरनाक तूफान देखकर कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिर डर गए। कश्ती के मालिक ने कहा, जब कुरानदाजी की गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम पर्ची में निकला। आपने खुद ही ये देखकर समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही आप समंदर में गिरे, उसी वक्त तूफान थम गया और एक बहुत बड़ी मछली आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक ही निवाले में निकल। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के अंधेरे पेट में कैद हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की और मदद मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया और मछली को हुक्म दिया कि आपको जिंदा सलामत अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपको समंदर के किनारे पर आकर साहिल के नर्म रेत पर अपने पेट से बाहर निकाल दिया। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत कमज़ोर थे और चल फिर नहीं सकते थे। अल्लाह ताला के हुक्म से कद्दू की एक बेल फौरन उगी और बड़ी भी हो गई और उसने आप पर साया कर दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से ही एक हिरनी आकर आपको सुबह और शाम दूध पिलाया जाया करती थी। इस तरह आप दोबारा सेहतमंद हो गए। उधर दूसरी तरफ आपकी कौम को जब पता चला कि आपने अल्लाह ताला के हाँ उनके लिए अजाब की बददुआ की, तो वो लोग फौरन तमाम के तमाम एक खुले मैदान में जमा हुए और अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी और तौबा की, जिसकी वजह से अल्लाह ने अपना अजाब उनसे टाल दिया।